सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आपके इलाके में कहीं भी है अगर कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। आज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी वाहम खबर से। उस थाना इलाके के हाईवे पर रोही गांव के समीप दो बाइकों में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में कुल 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर पुलिस के साथ 2 एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। सूर्यामा के निवादा बिंद नगर निवासी विनीत कुमार बिंद अपने रिश्तेदार सूर्यामा के ही बलापुर निवासी 18 वर्षीय कृष्णा बिंद के साथ बाइक से हड़िया से गोपीगंज की तरफ आ रहे थे। रोही गांव के समीप पहुंचे तभी आगे चल रही एक बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में कृष्णा बिंद, विनीत कुमार बिंद व गोपीगंज के खानापुर निवासी आगे चल रहा बाइक चालक 21 वर्षीय इसामुल हक घायल हो गया था। सूचना पर एम्बुलेंस के EMT भीम सिंह, संजय सिंह व पायलट राजेश कुमार संजय मौके पर पहुंच गए। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। हादसे में दोनों बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। अपनी पत्नी के साथ मारपीट, प्रताड़ित कर अप्राकृतिक संबंध बनाने वाले पति को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। ज्ञानपुर इलाके के रहने वाली एक विवाहिता ने ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके ससुराल वाले जहां दहेज को लेकर मारपीट व गाली गलौज करते हैं, वहीं उसका पति अप्राकृतिक संबंध बनाता था। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में पति सहित कई लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। SP डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने दुर्गागंज के गड़ौरा निवासी पति सुमित कुमार शुक्ला को उसके गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल कारपेट सिटी पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन के धक्के से एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि सरकारी एम्बुलेंस के EMT आशीष कुमार व पायलट लक्ष्मण पाल युवक को CSC भदोही लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया है। हादसा रविवार की रात का है। 30 वर्षीय एक युवक इंदिरा मिल से मोरवा पुल की तरफ जा रहा था। कारपेट सिटी पेट्रोल पंप के समीप पहुंचा तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक के बाएं हाथ में वंदना शर्मा व दाहिने हाथ में ओम का टैटू बना हुआ है। गोल चेहरा, दोहरा बदन, रंग सांवला है। हाफ पीली टी शर्ट व डार्क ब्लू पैंट पहने हुए है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। कारपेट सिटी पुलिस चौकी इंचार्ज श्याम जी यादव सहित भदोही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी का प्रसिद्ध रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। रात अध्यक्ष प्रकाश चंद जायसवाल ने रामलीला मंचन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दूसरे दिन प्रभु श्री राम के जन्मदिन का मंचन किया गया। श्री रामलीला समिति के लोगों ने बताया कि भदोही शहर के मर्याद पट्टी में चलने वाली रामलीला का मंचन इस साल भव्य तरीके से कराया जा रहा है। मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा मंचन किया जा रहा है। उधर रामलीला देखने के लिए शहर के अलग अलग मोहल्ले से लोग पहुंच रहे हैं तथा बाहर मेले ऐसा नजारा देखा जा रहा है। उद्घाटन मौके पर पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल सहित विनीत बनवाल, सतीश गांधी, सत्यशील गुप्ता, पन्नालाल यादव आदि लोग मौजूद रहे। असनाव बाजार के मुड़ियापुर में हो रहे अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान हड़कंप मच गया था। मुड़ियापुर इलाके में बगैर अनुमति अवैध मिट्टी खनन मैट रोलर मशीन से किया जा रहा था। सूचना मिलते ही खनन विभाग की टीम व पुलिस ने छापेमारी की थी। खनन विभाग के अधिकारी ने बताया कि 3 ट्रैक्टर व 1 मैट लोडर मशीन को कब्जे में लेकर असनाव पुलिस चौकी के हवाले कर दिया गया है। उधर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टरों को चालक लेकर मौके से फरार हो गए थे। खनन विभाग की कार्रवाई से अवैध मिट्टी खनन में लगे कारोबारियों में हड़कंप मचा है। बैंक के शाखा प्रबंधक व फील्ड अफसर की मिली भगत से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे के नाम से लोन लेने वाले 2 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दुर्गागंज निवासी 75 वर्षीय शेषनाथ ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि ज्ञानपुर की एक बैंक शाखा से उसके नाम से लोन लिया गया है, जबकि इस बात की उसे जानकारी नहीं है। शिकायत पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि जालसाजों ने कूट रचित फर्जी दस्तावेजों के जरिए
1,45,000 रुपया लोन निकाला था। ज्ञानपुर पुलिस ने लखनऊ तिराहा से भिदिवरा निवासी जालसाज लल्लन प्रसाद व दुर्गागंज इलाके के सराय भाव सिंह निवासी अनिल कुमार गौतम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक इस खेल में बैंक का शाखा प्रबंधक व फील्ड अफसर भी शामिल है। विद्युत विभाग की लापरवाही से सूर्यावा के जगतपुर गांव में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 पशुओं की मौत हो गई है। जगतपुर गांव के गौतम बस्ती के समीप एक बगीचे में लगभग 1 माह पहले विद्युत तार टूटकर गिर गया था। लगातार इलाके के लोग गिरे तार को ठीक करने की मांग करते रहे, लेकिन विद्युत विभाग नहीं जागा। रविवार को पड़ोसी गाँव मकनपुर के निवासी जटापाल नामक पशुपालक की आधा दर्जन बकरियां बगीचे में चल रही थी, तभी गिरे तार की चपेट में आ गई। मौके पर ही 2 बकरियों की मौत हो गई। बकरियों की मौत से हड़कंप मच गया था। इलाके के नीरज बिंद, विशाल बिंद, मुकेश वर्मा, प्रवीण कुमार, सनी सरोज जैसे लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गिरे विद्युत तार को ठीक कराए जाने की मांग की है, ताकि फिर कोई बड़ा हादसा न हो। भदोही शहर के दरोपुर राधा कृष्ण मंदिर पर रविवार को श्री दुर्गा पूजा महासमिति की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में समिति के तमाम पदाधिकारी, सदस्य व सम्मानित लोग मौजूद रहे। बैठक में मौजूद महासमिति के अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने पदाधिकारियों व समिति के सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि भदोही शहर में महासमिति के बैनर तले सजने वाले 65 दुर्गा पूजा पंडाल की व्यवस्थाओं के लिए जो भी समस्या हो उसे महासमिति के सामने रखा जाए, उसका निस्तारण किया जाएगा। बिजली, पानी, साफ सफाई को लेकर भी महासमिति के लोगों ने चर्चा की। कहा कि समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर उसका निवारण कराया जाएगा। बैठक में प्रदीप यादव, राजेश जायसवाल, जितेंद्र यादव, सुजीत यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के तुलसीचक गांव में झाड़ फूक को लेकर पिता पुत्र में कहासुनी के बाद मारपीट हुई है। बेटे की पिटाई से 66 वर्षीय पिता मेवालाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पिटाई से घायल मेवालाल ने इस बात की जानकारी धौरारा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है। मेवालाल ने बताया कि उसकी पत्नी झाड़ फूक करती है। इस बात को लेकर जब उसने विरोध किया तो उसके बेटे ने उसकी पिटाई कर दी है। पिटाई से वह घायल हो गया है। सूर्यामा के भोरी ग्राम सभा के प्रताप सिंह पट्टी राजकीय विद्यालय के बगल बगीचे में रविवार को कजरी मुकाबले का आयोजन कराया गया था। विश्वकर्मा पूजा के बाद पहले रविवार को आयोजित इस कजरी मुकाबले में भोरी के कजरी गायक राजेश बिंद आचार्य व जंघई की लक्ष्मी यादव पहुंची थी, जहां दोनों गायकों के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। गायकों ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कजरी मुकाबले को लेकर प्राथमिक विद्यालय के समीप दाना, जलेबी, पेठा, खिलौना, चाय पान, नमकीन, फूड, फल की तमाम दुकानें सजी थी। ग्राम सभा वासियों के सहयोग से विश्वकर्मा पूजा के बाद पहले रविवार को कजरी मुकाबले का आयोजन कराया जाता है। इस मौके पर दीनानाथ बिंद, जहूर, छोटेलाल यादव, आसिक अली आलोक मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के फौदूपुर गांव में तेल के कोल्हू की चपेट में आने से एक किशोर घायल हो गया है। घायल किशोर का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में चल रहा है। फौदीपुर निवासी राजकुमार ने ज्ञानपुर पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसका बेटा विजय कुमार गांव के एक व्यक्ति के कोल्हू पर तेल पिलाने गया था। कोल्हू संचालक जबरन उससे काम कराने लगा, जिससे उसके बेटे का हाथ कोल्हू के चपेट में आ गया। किशोर के दाहिने हाथ की 4 अंगुलियों में गंभीर चोटें आई हैं। राजकुमार का आरोप है कि शिकायत करने के बाद कोल्हू संचालक ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज देते हुए धमकी दी है। घायल किशोर का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया जा रहा है। रविवार को भदोही ब्लॉक के उमरी ग्राम सभा में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता सुशील कुमार श्रीवास्तव ने की। बैठक के दौरान ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने हुंकार भरते हुए कहा कि उमरी ग्राम सभा में भूहीन परिवारों को आवास व कृषि आवंटन को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल DM से मुलाकात करेगा। कहा कि आवास विहीन गरीबों को भूमि दिलाने के लिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का संघर्ष जारी रहेगा। बीड़ा मास्टर प्लान के खिलाफ पदाधिकारियों ने बैठक में हुंकार भरी है। बैठक में रामजीत यादव, केशव प्रसाद विश्वकर्मा, नीतू, प्रमिला, जिलेदार आदि मौजूद रहे।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मुख्यालय रोड चकमान सिंह गांव के समीप खड़ी एक बाइक में दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार जहां घायल हुए हैं, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। मोड़ के पुरानी बाजार निवासी 50 वर्षीय राकेश सिंह चकमान सिंह गांव के पास बाइक खड़ी कर कुछ सामान खरीद रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक दूसरी बाइक ने खड़ी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में राकेश सिंह व दूसरी बाइक चला रहे मोड़ निवासी 22 वर्षीय अजय कुमार नामक युवक भी घायल हो गया था। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के EMT प्रांजल शुक्ला व पायलट विपिन गुप्ता मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। गोपीगंज इलाके के कसिधा निवासी सर्वेश कुमार तिवारी ने गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि गांव का एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बातें लिखकर धमकी दे रहा है। सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने वाला व्यक्ति उन्हें अपमानित कर रहा है। शिकायती पत्र देते हुए सर्वेश कुमार तिवारी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विनोद सिंह फौजी के नेतृत्व में गोपीगंज नगर में सफाई अभियान चलाया गया। फुटबॉल खिलाड़ियों ने अभियान चलाकर गोपीगंज नगर के गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज मैदान, बरगदा हनुमान मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज, कोतवाली व कस्बा चौकी जैसे स्थानों पर सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता ही सेवा का नारा दिया गया। साथ ही स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर पवन राय, चंचल सिंह, रितेश, अंकित आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के अहमदपुर फुलवरिया में अपना दल कमेरावादी पार्टी के पदाधिकारियों ने सदस्यता अभियान कैंप लगाया था। पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने दावा किया कि अपना दल कमेरावादी का कारवां भदोही में बढ़ रहा है। दूसरे कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर अपना दल कमेरावादी से जुड़ रहे हैं। अहमदपुर फुलवरिया में लगाए गए सदस्यता अभियान कैंप में कईयों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर मंगल मौर्य, सूरज गुप्ता, डॉक्टर मनोज चौहान आदि मौजूद रहे। औराई के मवैया हरदोपट्टी में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया था। LED टीवी के माध्यम से श्रीमद् भागवत, गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ, वेद, शिव पुराण, गरुड़ पुराण व सत्संग प्रवचन सुनाया गया। सत्संग में दूर दराज से साधक पहुंचे थे। इस मौके पर सत्येंद्र दास, हरि नारायण दास, उदय प्रताप दास, रामराज दास, हरिचंद दास आदि मौजूद रहे। पितरों के तर्पण एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए रविवार को ऊज इलाके के सीकी चौरा गांव से एक ओझा परिवार गया धाम के लिए रवाना हुआ है। अपने ग्राम सभा की परिक्रमा व देवी देवताओं की पूजा पाठ के बाद सीकी चौरा निवासी जनार्दन ओझा, प्रेम ओझा गया धाम के लिए रवाना हुए हैं, जहां ओझा परिवार को गया धाम यात्रा पर रवाना करने के लिए अशोक त्रिपाठी, पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी, विजय तिवारी आदि पहुँचे थे। आप दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें। खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।